यहीं पे अब एक बात ऐड करूंगा इस इसी इसी तरीके में, एक बात बड़ी जबरदस्त ऐड होने लगी है, ये बात SDO अहमद हसन रजा साहब, ठीक है, उनसे हम कल मिले शाह साहब, जब हमने कहा सर जैन जिया के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो कहते उसने उसी टाइम क्या कहा, उसके खानदान की तरबियत उसे रिप्रेजेंट कर रही है, शाह साहब SDO ने क्या कहा, उसके खानदान की रिप्रेजेंट सर जैन जिया साहब, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इतना इखलाक इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें पता चल जाता है यार इनके पेरेंट्स कैसे हैं पीछे, इनके भाई बहन, इसकी बीवी कैसी होगी साले, यार इतना अच्छा क्रिएशन जैसे आप ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हो, ये इंसान की बिल्कुल। दूसरे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मुकाबले बातें हो जाती है कि वो कितना कमा रहा, वो कितना खा रहा, वो कई जगह पाँच हो गया, ये बराबर नहीं है, डिफरेंट है, इस तरह हो नहीं सकता कि हर सेम हो जाए, सारे अलग तरह ड्यूजन रखी है और हर बंदे का रिजक खुद उस पर बता दिया कि इसका कितना रिजल्ट लगा दिया, तो हमें रिजल्ट के मामले की पहचाना चाहिए, बिल्कुल जो चीज़ उसके पास हो सकता है वो उसके पास ना हो, जो चीज़ उसके पास है उसके पास ना हो, फिर पहचाने की तो बात है, बिल्कुल यार बड़ी अच्छी बात की यार, खुदारा इस बात पे ना रो के वो ज्यादा खाना खा रहा है, वो ये फ्रूट्स खा रहा है, उसका चोरों से ये फ्रूट ला के दे रहा है, इससे क्या होगा, आपका जो पूरा खानदान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खानदान कैसे, जो आपके चार भाई हैं, आपकी एक सास ससुर है ना, वो सब सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप देखें अगर आप अपना बोरी बिस्तरा उठाते हैं, बांधते हैं, एक अलग घर में चले जाते हैं, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो आपको दिल से कहेंगे आप चले जाएं अगर वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स ने जो पहले मुझ पे सारे इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया, किस वजह से आज किया, कि हम उन्हें भी परेशान करें और हम भी सेपरेट जाके कहीं जाके बैठ जाए, जब उनसे आगे महीने महीने बाद मिल रहे हैं, दो दो हफ्ते बाद आगे मिल रहे हैं, इसके आपकी शासन कैसे खुशी मिल सकती है अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात राजी है और वो सबको रिस्क दे रही है, जब आप इस तरह के माइंड में ख्यालात लेके अलग हो रहे हैं तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप देखें आपकी वजह से आपके हस्बैंड को अगर शुगर हो रही है तो आप फंसाती हैं, आप उसके पीछे बैक हैंड पे आप हैं जो आप उसे मौत के गड़े पे लेके जा रहे हैं, आप लोग हैं जो जिसकी वजह से वो अपने खानदान से भी अलग हो रहा है, परेशानियां भी कर रहा है, आपको खाने पीने के लिए भी हर चीज़ दे रहा है, फिर भी आप उन्हें ताने मार रहे हैं, चलो कितनी दुख की बात है, ये हमारे एक माशरे में कितने दुख की बात है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, ये मामला ये हर मतलब होते हैं घरों में, तो इसका यही है कि घरों में खुद आखिर में ये कह जाता है कि सुकून इंसान खुद पैदा कर सकता है घर में ना, अगर उसकी नीयत साफ हो, बंदे होगी लोगों की नीयतें साफ हो, एक दूसरे के साथ चाहते हो तो यार इसका कोई मामला ख़राब ना हो, इसके साथ कोई भला हो जाए, अच्छा हो जाए इसके साथ, जब ये बंदा सोचता है ना यार उसका नुकसान ना हो, फिर मामला खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल फिर सारे मसले मसायल में नहीं पड़ता इतने ज़्यादा, तो ज़िंदगी भी कहते हैं ना कि जब तुम दूसरों को सुकून पैदा करोगे तुम्हारे लिए खुद सुकून आ जाए, तुम्हारे सुकून, एक और वासिफ अली वासिफ साहब का है कि जब इंसान जब तुम दूसरों को सुकून देना शुरू कर दोगे ना, तुम चाहते हो कि हमारी मौत में आसानी हो, आसान मौत, अच्छी मौत, दूसरों को पैदा कर लोगे, सर ये बड़ी अच्छी बात है, एक टॉपिक अब साइड पे थोड़ा सा निकल जाएगा, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि देखिए ना, जब आप एक वो लड़का जो जा रहा है आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे यार मैं इसे कैसे नुकसान पहुंचो, इसे मैंने आज ये इसके साथ बुरा सलूक किया, ये बुरा सलूक किया, इसके मैंने आपको परेशान कर रहे हैं, पता नहीं यार कब उसे परेशान होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि हम देखा जाए कि हम अपने मिशन से पिछड़ गए और वहाँ पर लगे हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है। अच्छा साहब आखिर में एक बात जो जिस बात इस पर एंड करता हूँ मैं, बात यह है कि आप कोशिश करें, आप खुद देखें सारे एनालिसिस, आप खुद करें कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना है, आपने अपनी बीवी को खुद समझाना है, बीवी ने अपने शोहर को खुद समझाना है, ये मामला किस तरह चल रहे हैं, इसमें आगे तीसरे को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपना खानदान है, आपने खुद बैठ के करना है, आपको अपने चाचे को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका वालदे मोहतरम जिंदा है ना, आपको किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात जब आप जब तक आप जिंदा है ना, आपको किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी बीवी को समझा सकते हैं, बीवी को चाहिए कि हस्बैंड को खुद समझा सकते हैं कि यार ये आपके रिश्तेदार हैं, देखिए आप मेरे घर जाके नहीं रह सकते, मेरे रिश्तेदारों के साथ नहीं रह सकते, मिनिमम अपने रिश्तेदारों के साथ तो रहें ना, उनके साथ तो अच्छा बिहेव करें ना, उनके तो जहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हेल्प करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें सिर्फ वसीला बनाया जाता है, हमें देखा जाता है, सेम वही वाली बात कि जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करना शुरू करते थे ना, आपकी मौत आसान हो जाती है, कोशिश करें अपनी मौत आसान करें, क्योंकि अब मौत का जायका हर एक ने चखना है।
ذائقہ چکھنا ہے, وہ برا ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے.